अब देखिए यहाँ पर अभी यानी यूपी पेट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। एक स्टूडेंट इनका पेपर कैसे हुआ इसके बारे में पूछते हैं, इनके बारे में बता दें भैया, आप बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम श्याम आदर यादव है और मैं बस्ती जिले से यहाँ पेपर देने। अच्छा, बस्ती जिला से, किस जगह बस्ती में? ये बस्ती विक्रम जोत। अच्छा, हम भी वहीं कराने वाले हैं। हाँ, पेपर भैया कैसा आया बताइए। बहुत अच्छा गया है हमारा, लेकिन कुछ लोगों का है जो अगर पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तो उनके लिए सिंपल पेपर था, बट इतना भी सिंपल नहीं था, पेपर ठीक ठाक गया। देखिए इनके हाथ में पेपर है पूरा, ये बता रहे थे, अब दिखा दीजिए पेपर कैसा आया है। अब देख लीजिए आप सभी लोग पेपर, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है और ना ज़्यादा टप आया है। अब जीएस के जो पोर्शन था, जीएस आप सभी लोग देख सकते हैं, जीएस का पेपर थोड़ा कुछ हार्ड हो सकता है, और बाकी मैथ के जो पेपर वो सिंपल आए हैं, यानी मैथ का जो पेपर है वो थोड़ा सिंपल आया है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जो बहुत सिंपल है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए, देखिए मैथ के ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चन ही आए यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद ये भी मैथ, यानी सबसे ज़्यादा सिंपल माना जाएगा मैथ का माना जाएगा, क्यों भैया? जी, यानी सबसे सिंपल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, मतलब वही जो इसे ध्यान से पढ़ा होगा वो अच्छे से कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब और जीएस के लगभग टफ क्वेश्चन आए हैं। हाँ, जीएस के भी टफ क्वेश्चन है। तो चलिए भैया, हमारा भी सेंटर यहीं, अभी हमारा सेकंड मीटिंग में पेपर है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने बताया मतलब पेपर कैसा है, सिंपल भी नहीं है, जो लोग लूसेंट अगर ज़्यादा पढ़ें उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो धन्यवाद भैया।